जय जगन्नाथ। मु दिवाकर दास आपण को प्रणाम करुच्ची। महापुरुष 600 वर्ष तलर मालिका कथा को आलोचना करिबा, गोटिए परे गोटिए जहाँ सत्य हो चली। महापुरुष अच्युत कहिले शिष्य रामदास को बाबूरे कलिजुगर शेष लक्षण शुणब मोठारु। शिष्य रामदास श्रीगुरु अच्युत पाद तले पड़ जाती आ हे गुरुदेव आपण कहतु कलीर शेष समय कौन कौन सब घटना घटव आम्भे मैंने आपण मानक कहबू कलीजुगर शेष लक्षण कौन जानवे आ बेसी दिन ये कलीर आयुष ना। महापुरुष अच्युत एक कथा को लिखी आ शिष्य बारंग को मध्य शिशु अनंत एक कथा को कही महापुरुष अच्युत आउ पंचसखा मैंने जो कथा गुड़िक लिखिंट गोटे पर गोटे सत्य हो चली। महापुरुष शिशु अनंत मालिकार बड़ सुंदर भाव में शिष्य बारंग को कहते कलीजुगर शेष लक्षण कौन कौन कहले कह कुकुट मान मुकुटटी धला हो जे काल जानबू बारंग अल्प दिन यही सरीज कली खेल। महापुरुष शिशु अनंत शिष्य बारंग को कही बाबूरे कलीजुगर शेष लक्षण कौन ना कुकुट मान मुकुटटी धला हो जे काल अर्थात कुकुड़ा मान जो मो अस्थार आपड़ जानते मुकुट बोली कहते चूल बोली जहाँ को कहते से धला पलटिज एमती समय आसब से कुकुट मान मुकुटटी धला हो समस्ते जानते कुकुड़ा मान चूल हूँ नाली चूल किंतु कुकुड़ा मान धला चूल हो समग्र एवं तो विभिन्न जातिर सब कुकुड़ा बाहर किंतु विशेष भाव आपत जानते जो कुकुड़ा मानकर नाली चूल थी से धला पलटिज जानबू कलीजुगर शेष लक्षण बोली। महापुरुष अच्युत एक मध्य कही समय कौन कौन घटना घटव जहाँ को शिशु अनंत बालीपाटणार ठाकुर अति सुंदर भाव में कही कथा जानबू बारंग कलीर शेष समय आसीगला जानबू बारंग कौन हम ना अल्प दिन ही सरीज कली खेल अल्प दिन में कलीर खेल सरीज जहाँ को शिशु अनंत कहते अच्युत कौन कहले व्याधि रूप से पिशाची मैंने आसवे से समय भितर लिखि रखत एक मालिका जहाँ कही गोटे पर गोटे सत्य हो चली। महापुरुष अच्युत जो कथा कही गोटे पर गोटे सत्य हो महापुरुष अच्युत कौन कही व्याधि रूप से पिशाची आसब से तो प्राणी को गुपते नाशिव। महापुरुष अच्युत कह व्याधि रूप से पिशाची आसब अर्थात एवं जो भाई भाव में व्याधि सब घटी चली दुनिया भितर आपण मैंने जानते विभिन्न प्रकार रोग आसला करोना आपर करोना तार रंग बदल चली अनेक मुंड नेला गोटे पर गोटे सत्य हो मालिका कहीं व्याधि रूप से पिशाची ही आसी आउ 64 रोग कथा अच्युत लिखिं आ गोटे पर गोटे आज सत्य हो मालिका। महापुरुष अच्युत से कथा कहले व्याधि रूप से पिशाची आसब आ प्राणी मान गोपतन आसब कलीजुगर जिते शेष लक्षण बाबू देखू से ही समय भितर व्याधि आसब आउ प्राणी मान गुप्त कौन करना विनाश कर एक कथा को शुणला पर आपण मैंने भावुवे मालिका के सत्य। महापुरुष से ही समय कौन ते मढ़ा पड़ब चारिड़े कौन हम हाकार माथिज समय कौन हम श्वान सृगाल होइण एकत्र इंद्रवर शिव पुणी रकत श्वान सृगाल मान एकत्र हेबे आउ इंद्र मध्य रक्त वर्षा कर महापुरुष कहते आउ से ही समय भितर आप जानवे आकाश मझे नीलवर्ण होगला आपण मैंने समस्ते जानते आपर आकाशर रक्त बर्णर देखिंट आपण मैंने रक्त बर्ण आकाश नील मत कि गाढ़ नील एभली भाव में यहीगला अनेक जगह भयंकर शब्द मध्य से समय शुणाला अच्युत महापुरुष जहाँ को 600 वर्ष तले लिखी थे ये गोटे पर गोटे किभली भाव सत्य हो चली आपण मानकर यही समय भितर कौन हम कलीजुगर शेष लक्षण कौन हम ना एभली भाव में मढ़ा पड़ब आपण मान शब उठेबापी लोक मिलवा कष्टर हो कहीं आज जी जीव शब बोई काली पलट शब हो सी काली पलटिज शब आ आज शब बोवा लोकटा का शब पलटि जाइए तेणु मशाणी से छाड़ी आसला बेलू आउ गोटे मढ़ा पड़ थोड़े समय आसीज बोली महापुरुष कहते कहीं व्याधि रूप से पिशाची आसब से तो प्राणी को गोपते नाशिव तेणुक सतर्क रुहतु सब इष्ट चिंता करूँ भगवान को चिंता करूँ कहीं जेमर चरण चिंतई संसारे तार भय ना प्रभु को चिंता कले समस्त भय दूर हो जाए। जय जगन्नाथ जय पंचसखा।